रात को नींद आती नहीं है तो क्या सेक्स करना चाहिए, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। देखिए होता क्या है कि काफी लोग उनको एक हैबिट जैसी बनी है कि रात को नींद नहीं आ रही तो सेक्स करना, और सेक्स करने के बाद में उनको नींद भी आती है। तो कुछ लोग सेक्स मतलब इंटरकोर्स करना ये जैसी नींद की गोली के बराबरी का उसको इस्तेमाल करते रहते हैं और फिर सेक्स करते हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। मैंने पहले वीडियो में कहा था कि जब आप सेक्स करते हो, जब इजैकुलेशन होता है इंटरकोर्स में, जब इजैकुलेशन वीर्य का पतन हो जाता है, बाहर निकलता है वीर्य, तो उसमें कभी कभी जोड़ों में दर्द होना, क्योंकि उस समय कुछ केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं, तो कभी जोड़ों में दर्द होना, मसल्स जो है बॉडी का मांसपेशी जो है थोड़ी रिलैक्स हो जाना, उसमें थोड़ा सा दर्द होना, या कभी धुंधलापन दिखना, या कभी नींद आना, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज है। जब आप सेक्स करते हो तो एक प्रकार की वो कवायत है, एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज जब है तो उसमें थकान आने वाली है, इसलिए तो बोलते कि हार्ट का मरीज है तो भाई ये अभी थोड़ा कुछ दिन तक सेक्स मत करो, क्योंकि आपको एक्सरसाइज सहन नहीं हो पाएगी। तो फिर लोग एक्सरसाइज मतलब वो सेक्स नहीं करने के लिए बोलते हैं। तो एक्सरसाइज है, उसमें कुछ समय तक ऐसा धुंधलापन आना, नींद आना, थकान आना, ऐसा कभी हो जाता है, और वो होने के बाद में नेचुरली रात को ये करते हैं तो नींद आ जाती है। प्रॉब्लम होता क्या है इससे? देखो सेक्स करना है तो फोरप्ले करना जरूरी है, मतलब काम क्रीड़ा करना जरूरी है। जब आप काम क्रीड़ा करते हैं 5-10 मिनट जो भी जितना भी करना है 15 मिनट, एक्चुअली स्त्री जो है पार्टनर जो है फीमेल पार्टनर, उसको एक्साइटमेंट के लिए टाइम लगता है, तो वो टाइम देना जरूरी है। तो क्या है कि यदि वो एक्साइटेड नहीं हुई है, वो चरम अवस्था तक पहुंचने के लिए तैयार नहीं है, और इधर पुरुष ने इरेक्शन आ गया करके सेक्स करना चालू कर दिया और उसका डिस्चार्ज भी हो गया, होता क्या है कि स्त्री जो है वो खुश नहीं हो पाती, उसको सुख नहीं मिलता और वो इरिटेबल हो जाती है। उसको लगता है कि क्या है, आदमी आता है कुछ करता है निकल जाता है, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, उसका इंटरेस्ट निकल जाता है, नंबर एक। और दूसरा, जैसा फोर प्ले जो है वो महत्व का है, उतना ही आफ्टर प्ले महत्व का है। आफ्टर प्ले मतलब सेक्स होने के बाद में प्ले करना, बाद में, क्योंकि कोई भी स्त्री जो है वो चाहती है कि आदमी को सुख देने के बाद में, वो शांत होने के बाद में, स्त्री शांत होने के बाद में उसने उसके साथ में कुछ बातें करना, प्यार करना और आफ्टर प्ले करना, उसको ऐसा लगता है कि उसने करना चाहिए, और वो यदि होता है तो उसको अच्छा लगता है। होता क्या है कि आदमी सेक्स करता है, इजैकुलेशन हो गया, बाजू हो गए, सो गए, क्योंकि ना जैसा वो सेक्स करना बोले तो एक नींद की गोली के बराबर लोग उसका इस्तेमाल करते, उसमें फिर स्त्री फ्रस्ट्रेट हो जाती है, उसको अच्छा लगता नहीं कि आता है ये अपने खुद के लिए सेक्स करता है और मेरी तो परवाह ही नहीं करता। तो जितना फोर प्ले महत्व का है उतना ही आफ्टर प्ले महत्व का है। आफ्टर प्ले करना जरूरी है, भले वो 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, ऐसा नहीं कि एक बार इजैकुलेट कर लिया, डिस्चार्ज हो गया, बाद में सो गए, तो ऐसा चलता नहीं है। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे, सही तरीका नहीं है। और वो यदि करते हैं आप फोर प्ले, इंटरकोर्स, आफ्टर प्ले, तो आपका सेक्सुअल लाइफ बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और जो लोगों का कॉमनली एक कंप्लेंट रहता है कि नहीं अभी उम्र हो गई है, अभी मेरी पत्नी मेरे से कोऑपरेट नहीं करती है ना, उसकी तो इच्छा ही होती नहीं है, क्योंकि उसको कभी सुख मिला ही नहीं तो उसकी इच्छा क्यों होगी। आदमी ने तो स्त्री का इस्तेमाल सिर्फ अपने खुद के लिए किया हुआ है, उसको मजा नहीं आया तो बस बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, अब क्यों करना सेक्स, उसको मजा आती नहीं है। तो दोनों को मजा कब आएंगे कि दोनों सही तरीके से सेक्स कर रहे हैं। तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी है, तो हमारा मकसद ही ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छी तरह से अपना सेक्सुअल लाइफ जिए और अपना जीवन जो है उसमें आनंद लाए। थैंक यू वेरी मच।